चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। जयपुर सहित 15 जिलों के लिए तेज बरसात का अलर्ट है। अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर एरिया में कहीं कहीं मध्य से भारी बारिश का अलर्ट है। जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना है। शनिवार को 10 से ज्यादा जिलों में अच्छी बारिश होने से कई जिले तरबतर हो गए। जयपुर, कोटा, टोंक, बूंदी में 5 इंच बरसात हुई। तेज बरसात से राजधानी की सड़कों पर कारें तैरती आई नजर। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और एक खुशखबरी भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में आज भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेशवासी जहां लंबे वक्त से इस मानसून का इंतजार कर रहे थे, तो मानसून ने भी इस बार मुस्कान प्रदेशवासियों के चेहरे पर ला दी है, क्योंकि इस बार सीजन की बरसात सबसे अच्छी हो रही है अगर बीते सीजन से इस सीजन की तुलना की जाए। और जयपुर में भी कल सीजन की सबसे अच्छी बरसात हुई। तो जयपुर सहित 15 जिलों के लिए तेज बरसात का अलर्ट है और आज रविवार का दिन, ऐसे में ये एक मुस्कान लोगों के चेहरे पर लेकर आएगी, क्योंकि रविवार का दिन लोग जहां ये इंतजार करते हैं कि अच्छा मौसम हो, बारिश हो, ताकि वे घरों से बाहर निकल पाए। और ऐसे में आज तेज बरसात का अलर्ट जयपुर सहित 15 जिलों में। वहीं अगर बात की जाए अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर एरिया की, तो कहीं कहीं मध्य से भारी बारिश का अलर्ट है। और जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर, पाली, भीलवाड़ा में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम विभाग इस बात की संभावना पहले ही जता चुका है कि 23 और 24 जुलाई को अच्छी बारिश होगी। प्रदेश के कई जिले ऐसे होंगे जहां हल्की से मध्यम बारिश होगी, जहां शनिवार की अगर बात की जाए तो अल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसको देखते हुए सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। और इतना ही नहीं, वाहन तो पानी में तैरते तक नजर आए। राजधानी में लगी सावन की झड़ी। आज भी जयपुर में अल सुबह से बारिश का दौर जारी। आसमान में छाए घने बादल। कल भी जयपुर में बारिश ने जमाया था रंग। तो राजधानी में सावन की झड़ी लगी हुई है। आज भी जयपुर में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। आसमान की बात की जाए तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कल भी जयपुर में बारिश ने रंग जमाया था। आप तस्वीरें जरा आप देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर, बेहद सुखद ये तस्वीरें बारिश के लिहाज से, क्योंकि बारिश का इंतजार प्रदेशवासियों को लंबे वक्त से रहता है। ऐसे में बारिश राहत बनकर तो आती है, लेकिन आफत भी कई बार बन जाती है। राजधानी में लगी सावन की झड़ी। आज भी जयपुर में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। आसमान में छाए हैं घने बादल। कल भी जयपुर में बारिश ने जमाया था रंग। तो राजधानी में सावन की झड़ी लगी हुई है और आज भी जयपुर में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। तो वहीं आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कल भी जयपुर में बारिश ने खूब रंग जमाया था। लोगों का वीकेंड बारिश ने खुशनुमा कर दिया। जिस तरह की बारिश शनिवार को हुई, वो सीजन की सबसे अच्छी बारिश जयपुर शहर के लिए। और चलिए किस तरह की बारिश अभी हो रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जयती हमसे जुड़ गई हैं। जयती, देखिए राजधानी में बारिश का दौर बीते दिन से जारी है, तो आज किस तरह का माहौल है अभी जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर बारिश हो रही है? बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहूंगी कि सुबह में हालांकि बारिश नहीं थी, काले घने बादल छाए हुए थे, लेकिन आशा यही थी। और देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है अगले 4 दिन के लिए राजधानी जयपुर के लिए, राजस्थान के कई संभागों के लिए, तो लिहाजा लोगों को उम्मीद भी थी और लोग इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित भी थे। अगर देसी भाषा में कहूँ तो लोगों ने कपड़े आज नहीं धोए थे और लगातार देखिए जैसे बारिश हो रही थी, ये बहुत गृहणियों से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन पता था उन्हें कि बारिश आने वाली है, उसको लेकर के तमाम इंतजाम उन्होंने अपने घरेलू स्तर पर किए भी थे। फिलहाल की
अगर आपको बात और जानकारी दे सका तो यहाँ पर बारिश जारी है। अब से 5 से 10 मिनट पहले तेज बारिश हो रही थी, लेकिन एक बार अब रुककर और झमाझम हो रही है। हालांकि मौसम उतना ही सुहावना बना हुआ है, आशा यही है कि आज के दिन के बाद में जिस तरह से बारिश अगर निरंतर आज जारी रहती है तो कल जो तस्वीरें सामने आई थी, यानी कि सुखद तस्वीरें तो सामने आई ही थी, बारिश से मौसम अच्छा हो गया था, तापमान जो था वो गिर गया था, पारा लुढ़क गया था क्योंकि बहुत लंबे समय से उमस थी, गर्मी थी, चिपचिपाहट थी, मौसम में ह्यूमिडिटी थी, लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन अब पारा गिर कर के कम हो गया है, रात में भी गर्मी का कम एहसास हुआ, इसको लेकर के लिहाजा देखें। अब शिखा, अब जरूरी ये जानना हो जाता है कि हो क्यों रहा है, मॉनसून का दूसरा दौर तो जारी है ही, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ 2 एक्टिव हुए हैं राजस्थान के आसपास की जगह पर, और पश्चिमी विक्षोभ जब एक्टिव होता है तो पहले से पूर्वानुमान होता है। कल जैसी तस्वीरें सामने आई थी, भले ही हम सीकर रोड की बात करें या फिर जयपुर के कई इलाके जहां पर थोड़ी ही बारिश के बाद इतना जल भराव हो गया कि अभी क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है, क्या सड़कों पर कोई जाम लगा है और किस तरह की तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही है सुखद तस्वीरें की अगर बात की जाए रहेगी, और जयपुर वासी इसका आनंद लेंगे। संडे है, संडे और भी ज्यादा फंडे हो जाता है अगर मौसम अच्छा होता है, पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। साथ ही साथ आज इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्या है क्योंकि रीट के एग्जाम है, रीट के एग्जाम का दूसरा दिन है, दो पारियों में एग्जाम होगा। कल जिस तरह से अभ्यर्थियों को पहुंचने में देरी हो गई थी, अब शुरू हो जाएगा और 8 बजे के बाद में सेंटर्स पर जब अभ्यर्थी पहुंचने लगेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल के जो गलतियां थी, किसी के भी कहें वो खुद की पर्सनल गलतियां थी या फिर आवागमन में कुछ देरी हुई उन्हें, सार्वजनिक तौर पर जो आवागमन की सुविधा उन्हें मुहैया कराई गई है उससे देरी उन्हें हुई, उससे आज वो ठीक से पहुंच पाते हैं, समय रहते पहुंच पाते हैं, और किस तरह का दिन रहता है लगातार आगे भी आपको अपडेट उसके बारे में देते रहेंगे। शिकार जी, जयती, अभी क्या तस्वीरें अभी आपको नजर आई हैं, क्या लोगों का आना जाना अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्या कितने लोग अभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्या बारिश की वजह से किसी तरह का जाम अभी लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है? काले घने बादल छाए हुए हैं आसमान में, पेड़ पौधों की अगर बात करें तो उनमें तो एक तरीके से जान आ गई है, ऐसी बारिश का शायद इंतजार कर रहे थे, एक तरीके से जीवंत हो उठे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये अच्छी बारिश है, सूदिंग बारिश है अभी। जयती, क्या जाम की स्थिति वहां पर बनी है जहां पर आप अभी मौजूद हैं आसपास? शिखा, अभी जाम की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है, अभी लोग निकल रहे हैं, और सुबह में बारिश जब हुई थी तो बहुत ज़्यादा बारिश उस तरह से नहीं हुई थी कि तेज बारिश हो गई हो और जलमग्न सड़कें हो गई हो। तो अभी जाम की फिलहाल स्थिति जहां मैं मौजूद हूँ सहकार मार्ग पर, वहां नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि जयपुर के अन्य इलाकों में हो और उसकी जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे जब जानकारी हम तक पहुँच जाएगी, लेकिन फिलहाल जाम की स्थिति नहीं है, अब धीरे धीरे हो सकता है। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है शिखा, क्योंकि आज संडे है, दफ्तर लोगों का नहीं है, छुट्टी है आज, और जो लोग घर पर हैं वो देरी से उठते हैं, लिहाजा अभी फिलहाल जाम की स्थिति नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि बारिश जब तेज हो जाए, लोग जब निकले घूमने के लिए पर्यटन स्थलों पर अपने अपने संडेज को मनाने के लिए, तब यहाँ पर थोड़ी सी जाम की स्थिति नजर आए। जयती, क्योंकि बारिश का दौर जो है वो सुबह से ही जा रही है, तो ऐसे में अच्छी खबर जयपुराइट्स के लिए भी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयती तमाम जानकारी के लिए।